जय प्रभु यीशु, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम बाइबल खोलेंगे, भजन संहिता उसका 62वां अध्याय या 62वां गीत। भजन संहिता उसका 62, उसके पहले पद में यूं लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। क्या ये आपके लिए सच है? मेरा उद्धार उसी से होता है। किससे? यहोवा परमेश्वर से, जो मेरी शांति है, जो मेरी आशा है और जो मेरा बल है। इसीलिए वो कहता है, मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाऊं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मन की शांति केवल यहोवा परमेश्वर ला सकता है। आज हम विश्व भर में देख रहे हैं जितना वहां पे अशांति, जितना दुष्ट का कार्य, जितने बुरे काम हो रहे हैं हमारे भारत देश में ही और भारत देश के बाहर विभिन्न देशों में। हम देख रहे हैं किस प्रकार से दुष्ट के कार्य बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है और वहां पे देशवासियों को परेशान किए हुए हैं। वो इसीलिए, क्योंकि उनमें से किसी के मन में यहोवा की ओर से शांति नहीं है। जब मन में शांति नहीं होती है लेकिन उसके स्थान में व्याकुलता होती है और उसके स्थान पे आंधी तूफान होती है, तब इस प्रकार के दुष्ट कार्य शुरू होते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तेरा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर भरोसा रखो जिस तरह से तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, क्योंकि शांति का राजकुमार यहोवा परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे साथ है। तो जब हम उस शांति को अपने जीवन में होने देते हैं तो फिर हम इस प्रकार की, क्या कहते हैं, बेचैनी या वो आंधी सा अनुभव हम नहीं करेंगे अपने जीवन में। चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाओ, वही लिखा है यहां पर। सचमुच, दूसरा पद, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। कौन? यहोवा परमेश्वर। वही मेरा गढ़ है, मैं अधिक, पढ़िए क्या है, मैं अधिक ना डिगूंगा क्योंकि वो मेरा गढ़ है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आप और मैं यहोवा परमेश्वर को अपना गढ़ बनाएं और उस गढ़ के साथ हम अपने आप को बांध लें। और यदि हम गढ़ के साथ बांध लेते हैं अपने आप को, हम भी उसी गढ़ वाले अवस्था में पाए जाते हैं। हमें कोई भी नहीं हिला सकता, हम डगमगाएंगे नहीं, हम स्थिर बने रहेंगे क्योंकि हम उसके संग हम बंधे हुए हैं। पांचवें पद में लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो। ये चुपचाप रहना यहां की बात नहीं हो रही है कि जब हम गीत गाएं तो आप चुप रहें, जब हम कहें बोलो हालेलुया और आप चुप रहें, हम कहते हैं आराधना करो तो आप चुप रहें, नहीं नहीं नहीं, ये स्थान उस जगह का नहीं है। लेकिन आपकी जीवन की जब परिस्थितियां आती हैं तो कई बार हम देखते हैं हम अपने आप में कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाते हैं बहुत, है ना, हमारी इतनी शिकायतें रहती हैं लेकिन यहोवा के प्रति प्रशंसा बहुत कम निकलती है हमारे मुंह से, शिकायत ज्यादा निकलती है। अरे ये क्या है, वो क्या है, प्रभु देख नहीं रहा, तू अंधा है, ये है वो है, हम बहुत कुछ बक देते हैं मुंह से। और यहोवा एक प्रेमी परमेश्वर है, वो चुप रहता है, कहता है बच्चा परेशान है, ठीक है, बोलना है जो बोलना है बोलने दो। बाद में उसका अनुग्रह जब हम महसूस करते हैं तब हम कहते हैं हाय मैंने क्या बोल दिया, मेरे मुंह से क्या शब्द निकले मेरे परमेश्वर के लिए। वही कहता है यहां पर, चुपचाप परमेश्वर के सामने खड़े हो क्योंकि मेरी आशा उसी से है। जीवन की परिस्थितियां का जब हम सामना करते हैं, आशा वही है, दुनिया नहीं, दुनिया के लोग नहीं, दुनिया के तौर तरीके नहीं, केवल यहोवा परमेश्वर। सो उसके सामने जाकर जब हम रोते हैं तो हम गिड़गिड़ाएं ना, बुड़बुड़ाएं ना, रोएं जरूर। हम किसके सामने रो सकते हैं? अपने पिता के सामने ही तो हम जाके रो सकते हैं, माँ के सामने ही तो जाके रोते हैं। हम रोएं जरूर लेकिन उस रोने में बुड़बुड़ाने से ज्यादा, गिड़गिड़ाने से ज्यादा हम इस बात को कहें, हे प्रभु मैं इस कठिन परिस्थिति में हूं,
तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा उद्धार है। इसीलिए मैं बस शांत होकर आपकी उपस्थिति में खड़ा हूं। हालेलुया। और वही कहता है छठे पद में, सचमुच वही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है और वो मेरा गढ़ है, मैं नहीं डिगूंगा। वही बातें जो दूसरे पद में लिखा है वही रिपीट कर रहा है। क्यों रिपीट कर रहा है? हम इंसान है ना, हमें एक बार दो बार सुनना पड़ता है, तीन बार सुनना पड़ता है। मैं यहां से अनाउंस करता हूं ना, दो संडे बाद अब 10 बजे के जगह 10:30 बजे मिलेंगे। हम जब तक 2-3 बार नहीं बोलेंगे तब तक हमारे इस नारियल में घुसता नहीं है, 2-3 बार बोलना पड़ता है। उसी तरह दाऊद भी अपने आप को याद दिलाता है, 2-3 बार एक ही बात को रिपीट करके अपने आप से कह रहा है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी आशा है, वो मेरा बल है। इसीलिए हे मेरे मन शांत रहो, हे मेरे मन चुपचाप यहोवा की उपस्थिति में खड़े रहो। हालेलुया। So, जब आप अपने बाइबल को नीचे रखते हैं, अपने दोनों हाथों को खाली रखें, दोनों हाथों को आइए हम स्वर्ग की ओर उठाएं और एक आभारी हृदय से हम धन्यवाद दें प्रभु यीशु को उसकी करुणा के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उन आशीषों के लिए जो वो हमें दे चुका है और जो हमें देने जा रहा है, हम उसे धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए अपने आवाजों को उठाएं, अपने आवाजों को उठाकर उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद। जब हम गीतों को गाते हैं पूरे मन से गाइए, गाते समय ताली बजाएं, हाथों को उठाएं, नाचे, जो भी आप करना चाहें आराधना के रूप में आप एक साथ मिलकर करें। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना करें, उसको धन्य करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना। गाइए आप लोग सब मिलकर गाएं।
नाम की स्तुति हो, उसके नाम की बढ़ाई हो, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। प्रभु यीशु का नाम जो सर्वोच्च नाम है, सबसे ऊंचा नाम, एकमात्र सच्चा नाम, सामर्थी नाम, सामर्थी नाम, अद्भुत नाम, अनोखा नाम, प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया। यहोवा का वचन, यहोवा की वाणी इस प्रकार आपके सामने आती है इस बात को कहते हुए, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मेरे पीछे पीछे आप लोग सब लोग ऊंचे आवाज में बोलिए, उठ प्रकाशमान हो। अपने आपके बगल में जो खड़े हैं उनकी तरफ मुड़कर देखिए और उनको देखकर ये बोलिए, उठ प्रकाशमान हो। एक और बार बोलिए, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। हम एक घोषणा करने जा रहे हैं आज के दिन। इस बीच में एक गाड़ी है जो हटती है, प्लीज जिसकी भी गाड़ी हो आप देख लीजिए, ताली बजाए। इस बात को हम ऐलान करें आज के दिन, हम घोषित करें यहोवा के नाम में, सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। आमीन। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। आप गाइए साथ में, एक सेना खड़ी हो रही है। यस। एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। एक और बार ऊंची आवाज में सब लोग मिलकर, आमीन। आमीन। यीशु का
हम सबों के लिए सच है। और मैं चाहूंगा कि हम इस बात को भी ऐलान करें, इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसके चौथे पद में इस प्रकार है, एक ही देह है, सब बोलिए एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और हम सबों का एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। आइए इस बात को हम घोषित करें, एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। फिर से गाएंगे, एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। यस, चलो सब लोग एक और बार, कम ऑन। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। Let us declare it, let us declare it। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर। एक ही प्रभु है, हम सब एक ही देह के अंग हैं, एक ही आत्मा की अगुवाई से चलने वाले। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाकर धन्यवाद कहें प्रभु यीशु को कि उसने हमें अपने संग जोड़ा है, उसने हमें अपने संग जोड़ा है और इसीलिए और इसके द्वारा हम एक देह के अंग हैं, एक ही देह के हम हिस्सा हैं। हालेलुया। इसीलिए ये वाक्य सच है, उठ खड़े हो जाओ, तेरा समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। रिखबा रबा शानदारा रारा बास से बोलो रो रो तू कर भी खीरा खारे से तेरे तेरे में शीरा थकर बस से यार। इस बात को अंगीकार करें, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू ओ विराज, तेरे तेरे बड़ा महान, मेरे मन में तू विराज।
हाथ उठाकर गाएं, यशुआ उसके नाम को पुकारें, उसका नाम यशुआ है, यशुआ यीशु को बुला नहीं रहे, यीशु आ, हम उसके नाम को ले रहे हैं, उसका नाम है यशुआ, okay? क्योंकि हम बार बार बुलाते नहीं हैं, वो आते हैं हमारे दिल में और वो हमारे दिल में वास करता है, बार बार आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी को हम पुकारते हैं और कहते हैं हे मेरे यशुआ, मेरे मन को अपने वश में ले, हालेलुया। आइए इस आयत को हम गाएं, मेरा चेहरा, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू बहके। प्रार्थना करें ईमानदारी से, ईमानदारी से मांगे, मेरी बातों से तेरी खुशबू बहके, मेरे जीवन तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती। दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं, ओ यशुआ, इन पदों को हम गाते हैं, होने दे ये आपके दिल की गहराई से सच्चाई के साथ एक पुकार हो, ईमानदारी से एक प्रार्थना हो आपके दिल से कि प्रभु मेरे जीवन से आपके बातें प्रकट होने पाए, हालेलुया। सच्चाई के साथ गाइए, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको दिखा, कितना है तू ओ प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, हाथों को उठाकर गाएं, यशुआ मेरे मन में।
कोर उठाकर इसे सच्चाई के साथ ईमानदारी से आप प्रार्थना करें और कहें, यीशुआ मेरे मन में समा जा, ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा, ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। एक और बार, ओ यीशुआ मेरे मन में समा। अब दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर, जबकि आप उसकी उपस्थिति में खड़े हैं, अपने आप को समर्पित करके आप कहें, हे प्रभु यीशु, मेरा जीवन आपके हाथों में है, मेरा जीवन आप में, क्योंकि अब हम अपने नहीं हैं, हमें मोल लिया गया है, हम अपने लिए मर चुके हैं, और यदि हम जीवित हैं तो केवल और केवल प्रभु यीशु के लिए और प्रभु यीशु में हम जीवित हैं। तो इसीलिए हमारा जीवन अपना नहीं है, हमारा जीवन प्रभु यीशु का है, और वो चाहता है कि हमारा जीवन उसमें बना रहे, वो चाहता है कि उसमें हम बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, हम समर्पण में उठाते हैं और कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, जो भी आप करना चाहे हमारे जीवन में, जो भी आप करना चाहे मेरे जीवन के द्वारा, जो भी आप पूरा करना चाहे मेरे अंदर, मैं अपने आप को खोलती हूँ और कहता हूँ, हे पवित्र आत्मा, अपने आत्मा को अपने सारे तन मन धन से हम आपके हैं। करता समर्पण आत्मा ओ जीवन तेरी आराधना में तन मन धन, करता समर्पण, करता समर्पण हालेलुया। ये कुछ समय लेकर हम उस परमेश्वर की आराधना को करें आज की सुबह, जो सारे आदर के योग्य है, सारी स्तुति के योग्य है, सारी प्रशंसा के योग्य वो परमेश्वर। हालेलुया, आइए उसकी आराधना को करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदोरो बोरी खराबा, ओ रिल्लाबा शिखे रे बेबे शांदोरो बोरी खराबा, ओ रिखे बेबे बे शांदोरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखे बेबे बे शांदोरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भी हो सकता है आज की सुबह हम इस जगह पर इस भवन में खड़े हैं कुछ चुनौतियों के साथ, कुछ बीमारियों के साथ, कुछ परेशानियों के साथ, लेकिन मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया, वहां छुटकारा है। हालेलुया, वहां चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज की सुबह हम ये विश्वास करें, प्रभु मेरा छुटकारा मुझे मिल चुका है। हालेलुया, क्योंकि आपके भवन में तेरा आत्मा के चलन के बीच में मौजूद हूँ। हालेलुया, मेरी चंगाई मुझे मिल गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ। I am so grateful to God for this beautiful time that He has given to me. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो उसने मुझे दिया है। And I believe with all of my heart that this is a God-appointed time, not only for you, even for me. और मैं पूरे हृदय से इस बात पर विश्वास करती हूँ कि ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया समय है, ना केवल आपके लिए लेकिन मेरे लिए भी। I also want to extend my gratitude to the senior pastor, though he's not here, and also to Pastor Sammy and the entire
Mathai family for inviting me and keeping me with them. और मैं हमारे वरिष्ठ पासवान पास्टर पापी मथाई और उनके संपूर्ण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे न्योता दिया और मुझे यहाँ पर सही सलामत रहने बुलाया सेवा करने के लिए और रखने का खाने पीने का हर चीज़ का इंतजाम किया. We have had long time association. और हमारा एक बहुत लंबे समय से रिश्ता है. We have known one another for more than 50 years. और लगभग 50 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं. 50 years means half a century. और आधी शताब्दी या आधी सदी से हम एक दूसरे को जानते हैं. Hallelujah. And it gives me great joy to see these children coming up into leadership and taking the ark of God and carrying on to fulfill the mission. और मेरे ये देखकर मैं बड़ी आनंदित और प्रसन्न हूँ कि बच्चे भी उसी जिम्मेदारी को अपने कांधों में लिए हुए परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं. Children and grandchildren, wow. और बच्चे और साथ ही साथ पोते और पोतियाँ भी. Hallelujah. Hallelujah. Church, I want you to know that our God is a God of generations. और मैं चाहती हूँ कलीसिया आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है. He is a God of Abraham. He is a God of Isaac. He is a God of Jacob. He is a God of Joseph. और याद रखिए वो अब्राहम का इसहाक का याकूब का और यूसुफ का परमेश्वर है. Hallelujah. 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 You and I. We serve a great God. और आप और मैं मिलकर एक महान परमेश्वर की सेवा को करते हैं. Amen. I am really thankful to God for the grace that He has poured on my life. और मैं परमेश्वर के लिए धन्यवादित हूँ उस अनुग्रह के लिए जो उसने मेरे जीवन में उंडेला है. He brought me out of darkness into His marvelous light. और वो अपने मुझे अंधकार से निकाल कर अपनी अद्भुत ज्योति में ले आया. And He chose me to serve Him. और मेरे चुना कि मैं उसकी सेवा करूं. You know, coming from such a background like mine, I never had any idea of my life, my future. और जिस पृष्ठभूमि से मैं आती हूँ वहाँ मुझे अपने जीवन को लेकर कोई भी योजना कोई भी विचार मेरे मन में नहीं था. I only knew that Jesus is the true and the living God. और मैं सिर्फ इतना ही जानती थी कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है. He is a prayer answering God. और वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है. Didn't know anything, you know, more than that. और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती थी. But as the days pass, as the years pass by, I see the hand of God upon me and I am grateful to God. And I humble myself in the sight of God. और जैसे मैंने परमेश्वर के हाथ को उसकी योजना को मेरे जीवन में देखा मैं उसकी दृष्टि में खुद को मैंने दीन किया और उसके अनुग्रह के अधीन हुई. I live in Delhi with my husband. और मैं दिल्ली शहर में अपने पति के संग रहती हूँ. We have our own ministry. और हमारे पास अपनी सेवा है. Delhi is our headquarters. और जो ये मुख्य स्थान जो दिल्ली शहर है यहीं से हम अपनी सारी सेवा को संचालित करते हैं. If you ask us, you know, I want to say that we never wanted to come to Delhi. और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको यही कहूंगी कि मैं दिल्ली शहर में हम लोग कभी नहीं आना चाहते थे. We wanted to run away from Delhi. और हम तो दिल्ली से भागना चाहते थे. But God brought us to Delhi. लेकिन परमेश्वर हमें दिल्ली ले आया. He planted us there. और उसने हमें वहां पर लगाया या उसने स्थापित किया. Caused us to take root there in Delhi. और दिल्ली में हमें जड़ पकड़ने के लिए के लिए उसने बनाया. And He is making us fruitful in Delhi. और वहाँ पर दिल्ली शहर में वो हमें फल लाने के लिए प्रयोग कर रहा है. We have a ministry where we train local people and send them to church planting and evangelism. और हमारे पास वो सेवा है जहाँ पर हम स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर कलीसियाओं की स्थापना और सुसमाचार प्रचार के लिए भेजते हैं. Every year we train hundreds of people, leaders. और हर साल हम सैकड़ों की संख्या में अगुवों को प्रशिक्षित करते हैं. We have a local church in Delhi. और दिल्ली शहर में ही एक स्थानीय कलीसिया भी हमारे पास है. And above all that, you know, we have
a mantle that God has put on us. It's the mantle of intercession. और उससे बढ़कर एक बड़ी और जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे कंधों पर सौंपी है और वो है मध्यस्थता की. And for me, intercession stand first. और मेरे लिए मध्यस्थता करना पहले है. God has caused me to go to different places to walk and pray and also to make prayer trips, going to strategic places, putting our foot there and praying. और परमेश्वर ने मेरे सहायता किया कि कई सारे स्थानों और राज्यों में मैंने यात्रा कर कर कई सारी सभाओं में प्रचार किया, प्रार्थनाओं की यात्रा में जुड़ी और कई सारे खास स्थानों पर मैंने कदम पैर रख कर खुद प्रार्थना भी किया है. Claiming the land and declaring the kingdom of God upon the land. और पर उस राज्य को या उस स्थान को परमेश्वर के लिए मांगते हुए और उस राज्य या उस स्थान को परमेश्वर का घोषित करते हुए. And I believe that none of those prayers will go in vain. और मेरा ये मानना और विश्वास है कि उसमें से कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी. All the prayers that we make. और वो सारी प्रार्थनाएं जो हम करते हैं. It's like a big investment in the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट के रूप में या जो हम बोते हैं उस समान है. एंड इट विल कम बैक टू अस विद ग्रेट इंटरेस्ट. और वो एक बड़े ब्याज के साथ हमारे पास वापस लौटेगा. हालेलुया. सो आई एनकरेज यू, यू नो, to be a man and a woman of prayer. और इसलिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करती हूं कि आप सभी प्रार्थना करने वाले पुरुष और महिलाएं बने. थैंक गॉड फॉर व्हाट गॉड वाज डूइंग in our 2 days of meetings here in this place. और धन्यवाद हो परमेश्वर का जो परमेश्वर ने किया हमारे 2 दिनों का महिलाओं का सभा जो सुबह और उसके बाद जो एक साथ सभा शाम को होती थी. It was a joy for me to see God baptizing so many women, young girls in the Holy Spirit. और मेरे लिए बड़े आनंद का बात था कि कई सारी महिलाओं को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और खास रीति से जवान बेटियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. Before we could pray for healing or deliverances, the Holy Spirit was moving, healing women. And you know, I heard a lady after the service, she came up to me and she said, she's always felt that there was something inside her. And the first day when we were praying for the baptism of the Holy Spirit, you know, she was trying to bring it out, throw up, and praise God, it came out. और कई सारे ये तो बड़ा अचंभा और सी बात थी कि प्रार्थना करने से पहले ही कई सारी स्त्रियों को अपना चंगाई और छुटकारा प्राप्त हुआ. और एक ऐसी महिला भी थी जो सभा के बाद मेरे पास आई और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से वो ये महसूस करती थी कि उनके भीतर कुछ है जो उन्हें परेशान किए हुए है, लेकिन उस समय जब वो प्रवितात्मा का चलन हुआ तो उन्हें उल्टी के द्वारा वो सारी चीज़ें बाहर किया. गॉड लव्स अस. परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है. God loves his people. और परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम रखता है. Jesus came so that we can have life and life in abundance. और यीशु इसलिए आया कि हम जीवन को पाएं और बहुतायत का जीवन. The devil is a thief. और याद रखिए शैतान तो चोर है. And John 10:10 tells us the thief come to steal, to kill and to destroy. और यहूना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 10वें वचन में यहूना कहता है कि ये चोर आता है चोरी करने, घात लगाने और खून करने के लिए. But Jesus came. लेकिन यीशु आया. लेकिन यीशु आया कि वो हमें जीवन दे. Jesus came to set the captive free. और यीशु आया ताकि जो बंदी हैं उन्हें आजाद कर दे. Jesus came to give sight to the blind. और यीशु आया ताकि अंधों को आंखें दे. Jesus came to heal the broken heart. और यीशु आया ताकि वो जिनके हृदय टूटे हुए हैं उन्हें चंगा कर दे. Jesus came to heal the broken relationship. और यीशु आया कि उन टूटे हुए रिश्तों को फिर से मेल मिलाप करा दे. Jesus came to restore all that the enemy has stolen. That thief has stolen. Jesus came to restore that back to us. और यीशु आया ताकि वो शैतान जो उसने वो सारी बातें जो हमसे चुरा ली थी उन्हें फिर से वापस वो नया बना दे. I don't want you to limit your God. और मैं नहीं चाहती कि आप अपने परमेश्वर को सीमित रखें.
Our God is an unlimited God. याद रखिए हमारा परमेश्वर एक असीमित परमेश्वर है. Whenever you ask him for something, और जब कभी भी आप किसी भी बात के लिए उससे मांगेंगे, ask him not according to your need, but ask him according to his riches in glory. अपनी आवश्यकता अनुसार उससे ना मांगिए, लेकिन उसकी उदारता और उसके पास जो धन मौजूद है उसके अनुसार मांगिए. He is willing. और वो तो तैयार है. वो तैयार है. Manifest his glory in and through and even for you. ताकि वो अपनी महिमा को आपके भीतर आपके द्वारा वो दिखाने पाए. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to receive the word today? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए? The word of God inspires us. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है. No matter whoever who speaks. और ये मायने नहीं रखता कौन बोलता है. Whoever brings the word. जो कोई भी परमेश्वर के वचन को लेकर के आता है. They are bringing the oracle of God. वो परमेश्वर की भविष्यवाणियों को और उसके वचन की घोषणा को लेकर के. In the beginning was the word. और आदि में तो वचन था. And the word was with God. और ये वचन परमेश्वर के पास था. And word was God. और ये वचन ही परमेश्वर था. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We have the word in our hands. और ये वचन तो हमारे हाथों में है. God wants to show his glory. God wants to speak to us. God wants to encourage us through his word. और परमेश्वर अपनी महिमा को हमें दिखाना चाहता है, हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहता है अपने वचन के द्वारा. I am so thankful to God for all the young people who stand here and serve God with all their talents, with all their skills. और मैं उन सारे जवान बच्चों का भी धन्यवाद करती हूँ जो अपने तोड़ों के संग इस वेदी पर खड़े होकर परमेश्वर की सेवा को करते हैं. All of you women who have served God and serving God in different forms and ways. और आप सब महिलाएं जो अलग-अलग तरीके से परमेश्वर की सेवा को करती हैं. Friends, we have only one life. और मेरे मित्रों हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन है. We are not going to come back to this earth the same way. और याद रखिए हम उसी तरीके से वापस इस पृथ्वी पर नहीं आएंगे. It's this one life. सिर्फ एक ही जीवन है. And with this one life. और जब ये एक जीवन whatever we can do for his kingdom, जो कुछ भी हम उसके राज्य के लिए कर सकते we have to do it. उसे हमें करना है. We must extend the kingdom of God here in the earth through our lives. और we are called for that. और हमें परमेश्वर के राज्य को अपने जीवनों के द्वारा बढ़ाना है क्योंकि इसी के लिए हम बुलाए गए हैं. God always wants instruments. और परमेश्वर हमेशा यंत्रों को प्यालों को खोज रहा है. We are the instruments in his hands. और हम वो यंत्र हैं उसके हाथों में. If you will give yourself into God's hands as his instruments, I tell you, God will surprise you in many many ways. और अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अपने यंत्र के रूप में सौंप देते हैं तो मैं आपको बतलाती हूँ, आपसे कहती हूँ कि आप भौचक्के रह जाएंगे कि कैसे परमेश्वर आपका उपयोग करेगा. We are the children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं. We are the children of the light. और हम ज्योति की संतान हैं. We are the ambassadors of Christ. और हम परमेश्वर के प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं. Yes, we are God's representatives on this earth. और इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं. We are his witnesses. और हम उसके गवाह हैं. God has not called us as advocates for him. और याद रखिए परमेश्वर ने हमें उसके लिए वकालत करने के लिए नहीं बुलाया. God has called us as witnesses. लेकिन परमेश्वर ने हमें गवाह ठहरने के लिए बुलाया. And even as we follow him day to day life. और जैसे हम प्रतिदिन अपने जीवन में उसके पीछे हो लेते हैं. We need to follow him. We need to live our lives according to the standard that he has laid here in this word for us. तब उसी अनुसार इस वचन में जो उसने माप हमारे जीवन के लिए जो स्तर बना दिया है उस स्तर के अनुसार हमें अपने जीवनों को जीना है. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. और दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है. He is new. वो नई सृष्टि है. All things have passed away. पुरानी बातें बीत गई हैं. And behold, everything has become new. देखो सब कुछ नया हो गया है. The word says so. और वचन में ऐसा ही लिखा है. If anyone
अगर कोई भी be in Christ, अगर यीशु में है, it's a new creation. वो एक नई सृष्टि है. All things have passed. पुरानी बातें बीत चुकी हैं. Everything has become new. और सारी सब कुछ नया हो गया है. Now is that true with you? क्या ये आपके साथ सच है? Has everything become new? क्या सारी बातें नई हो चुकी हैं? When you come to Christ, जब आप मसीह यीशु में आते हैं, you don't have to change your name. आपको अपने नाम बदलने की जरूरत नहीं है. I have a sister. मेरे पास एक बहन है. Whose name is Geeta. उसका नाम गीता है. After coming to Christ, यीशु में आने के बाद, she did not change her name. उसने अपना नाम नहीं बदला. She is Geeta even today. और आज भी हम उन्हें गीता के नाम से ही जानते हैं. And my mother. या मेरी माँ. Do you want to hear her name? क्या आप उनके नाम को सुनना चाहते हैं? सीता. उनका नाम सीता है. Yeah, she hasn't changed her name. उन्होंने भी अपने नाम को नहीं बदला है. Hallelujah. Hallelujah. I'm not talking about changing the outward things, changing our names. और मैं इस विषय में बात नहीं कर रही कि कैसे जो आपका नाम बदल जाता है, बाहरी रूप से चीजें बदल जाती हैं. But changing. Our inward things. लेकिन मैं तो बात कर रही हूँ भीतरी परिवर्तन या बदलाव के विषय में. A change here. और एक हृदय में जो बदलाव आता है. That change will bring the outward change also that is needed according to the word. और ये जो भीतरी रूप से बदलाव या परिवर्तन होगा, ये बाहरी रूप से भी बदलाव को लाएगा जिसकी आवश्यकता वचन अनुसार होगी. Well, we are not telling you that you cannot wear this color. And especially on Sunday, you need to come in pure white. We're not telling you that. और हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपको ये रंग का कपड़ा नहीं पहनना है और रविवार के दिन खास रीति से सफेद पहन करके आना है. Thank God we have the freedom in Christ Jesus. और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि प्रभु यीशु में हमारे पास आजादी है. But there are certain things even outwardly. That is not according to the word of God. लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं बाहरी रूप से भी जो परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं है. So I just want to bring your attention to a portion in the word. और इसलिए मैं आपके ध्यान को वचन के एक हिस्से की ओर खींचना चाहती हूँ. Let's open to 2 Corinthians chapter 7 verse 1. और दूसरा कुरिन्थियों उसका सातवां अध्याय पहला वचन. Having therefore these promises, dearly beloved. Let's cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. The word makes it clear here that we have received certain promises. और ये वचन का ये भाग इस बात को बड़ी स्पष्ट रीति से बतलाता है कि कुछ प्रतिज्ञाओं या वादों को हमने परमेश्वर से मिले हैं. Have you received a promise? क्या आपको वादे मिले हैं? How many of you have received promises from God? क्या आप में से कितनों को परमेश्वर से प्रतिज्ञा या वादे मिले हैं? Yes. Yeah, we all have received promises. हम सब को परमेश्वर से वादे मिले हैं. We have received the personal word from God, right? व्यक्तिगत वचन भी परमेश्वर से हमें मिला है. I'm not talking about those promises. और मैं उन वादों या प्रतिज्ञाओं के विषय में बात नहीं कर रही. But today there are greater promises than those personal promises that we have received in our lives. Written here in the word. लेकिन आज के दिन उन व्यक्तिगत प्रतिज्ञाओं या वादों से बढ़कर वो वचन की प्रतिज्ञा या वादे हैं जो हमें वचन में मिलते हैं. Okay, so let's turn to chapter 6 of 2 Corinthians. दूसरा कुरिन्थियों उसके छठे अध्याय की ओर हम देखें. And we will see the promises that God has given to us in these words. और इन वचनों के भाग में हम देखेंगे उन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने हमें दी हैं. Okay, 2 Corinthians chapter 6, reading from verse 16, the middle part of verse 16. और दूसरा कुरिन्थियों छठा अध्याय 16वें वचन के दूसरे भाग से हम पढ़ेंगे. So you are the temple of the living God, as God has said. क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है. Who are you? आप क्या हैं? Who are you? आप क्या हैं? एक और बार बोले.
जो ऊपर बालकनी में केवल आप लोग बोले जोर से, हाँ, जीवते परमेश्वर के मंदिर है. वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड. हम जीवते परमेश्वर के मंदिर है. लिविंग गॉड, जीविता परमेश्वर. व्हाट डज दैट मीन? लिविंग गॉड. और ये जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है तो कुछ मरा हुआ भी है. जीवते परमेश्वर, यू नो, लिविंग गॉड. वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड. और हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं. एवरीथिंग दैट हैज लाइफ moves. और हर एक वो वस्तु जिसमें जीवन है वो चलता है. So if you are the temple of the living God, और अगर मान लीजिए आप उस जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, the life of God moves in you. तब परमेश्वर का जीवन मेरे भीतर चलन करता है. Yes, the life of God moves in you. तब परमेश्वर का जीवन आपके भीतर काम या चलता है. And the word says, और वचन कहता है, that I will dwell in them. मैं उनमें बसूंगा. Who is dwelling? और कौन बसेगा? Who is saying that will dwell? और कौन कह रहा है मैं उनमें बसूंगा? The living God. वो जीविता परमेश्वर. He says that I will dwell in these temples. और वो जीविते परमेश्वर कहता है मैं इन मंदिरों में बसूंगा. Okay, these living temples. Of the living God. और ये जीविते पर मंदिर जो जीविते परमेश्वर के हैं. And in these temples, और इन मंदिरों में, this God is dwelling. ये परमेश्वर बसेगा. You know who you are? आपको पता है आप कौन हैं? Who are you? आप कौन हैं? जीविते परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर. Hey, hallelujah! Yes. You are the temple of the living God. और आप जीविते परमेश्वर के मंदिर हैं. And you are the abode of the living God. और आप वो स्थान हैं जहाँ वो जीविते परमेश्वर वास करता है. Hallelujah. Hallelujah. वो स्थान है, वो निवास स्थान है. He abides there. He loves to abide there. और वो वहाँ पर रहना और उसे वो रहता है और उसे रहना पसंद है. Did you ever have this kind of experience before you came to the knowledge of Christ? क्या ऐसा कोई अनुभव आपके पास पहले था जिससे जब आप प्रभु के इस ज्ञान में वचन के ज्ञान में आए? When I was a little girl, I would love to go to temples. और जब मैं एक छोटी लड़की ही थी तो मंदिर जाना मुझे बड़ा पसंद था. I used to go and come back. मैं जाती थी और वापस आ जाती थी. ज्यादा से ज्यादा 5 पैसे डालते थे वो उसमें. You know, I loved going. But I never understood who God was. I never had a relationship with God. लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं समझ में आया कि ये परमेश्वर है कौन, और इस परमेश्वर के संग मेरा कभी भी कोई रिश्ता नहीं था. But when Jesus came into my life, लेकिन जब यीशु मेरे जीवन में आया, everything changed. सब कुछ बदल गया. The old passed away. और वो पुरानी बातें बीत गई. Everything became new. और सब कुछ नया हो गया. I was a dead temple. I was a dead temple. और मैं एक मरा हुआ मंदिर थी. I was a empty temple. और मैं एक खाली मंदिर थी. But when Jesus came, लेकिन जब यीशु आया, oh, he started dwelling here. तब वो मेरे भीतर वास करने लगा. My life is changed. और मेरा जीवन बदल गया. And even today, my life is changing. और आज के दिन भी मेरा जीवन बदल रहा है. Hallelujah. Hallelujah. That's what he does. I came into a living relationship with this living God. और ऐसा ही वो करता है जिस प्रकार मैं एक जीवित रिश्ते में एक जीवित परमेश्वर के साथ आ गई. He is dwelling in me. और वो मेरे भीतर वास करता है. He is dwelling in you. वो आपके भीतर वास करता है. Whoever you are, जो कोई भी आप क्यों ना हो. From whichever background you are, किसी भी पृष्ठभूमि से आप क्यों नहीं आते. Rich or poor, चाहे गरीब या धनवान. Educated or uneducated, शिक्षित अशिक्षित. From whichever caste you are, किसी भी गोत्र से आप क्यों नहीं आते. You are the temple of the living God, and the living God dwells in you. और लेकिन आप तो जीविते परमेश्वर के मंदिर हैं और जीविते परमेश्वर आप में वास करता है. Put your hands together for Jesus. और अपने हाथों के लिए जोरदार ताली हम यीशु के लिए बजाएं. Hallelujah. And this God, He brings. Yes. This God, He brings transformation in our lives. और यही वो परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में परिवर्तन को लाता है. And this God speaks to us
every day what to do, what not to do. और यही परमेश्वर प्रतिदिन हमसे बात करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. And this God tells us what is right, what is not right. और यही परमेश्वर हमें बतलाता है कि क्या सही है और क्या नहीं सही है. He is dwelling in us. और वो हम में निवास करता है. And he says, and I will walk in them. और वो कहता है कि मैं उनके उनमें चला फिरूंगा. You are the temple of the living God. आप जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं. He is dwelling in you. वो आप में निवास करता है. Now God says, precious promise. He says, I will walk in them. और एक बहुत ही बहुमूल्य वादा वो कहता है, मैं उनमें चला फिराऊंगा. I will walk in them. मैं उनमें चलूंगा. Amen. When if he has to walk in you, वो उसको आप में चलना है. You have to give him the freedom. तब आपको आजादी में चलना. You have to give him the space. और आपको उसे वो स्थान देना है. Well, when I am walking here, जब मैं यहाँ पर चलती हूँ, I am a little careful. मुझे बड़ा थोड़ा सावधानी रखनी. The communion table is here. क्योंकि जो प्रभु मेज का जो मेज है वो यहाँ पर है. And all these flower arrangements are here. और ये सारे जो गुलदस्ते मौजूद हैं यहाँ. I need to be careful. मुझे बड़ा ध्यान से चलना है. That I do not drop this. ताकि मैं वो मुझसे गिर ना जाए. Jesus doesn't want to walk like that. और लेकिन यीशु ऐसे नहीं चलना चाहता. He wants you to open up your life. वो चाहता है कि आप अपने जीवनों को उसके सम्मुख खोल दें. Say, come Jesus. और उसे कहें, हे यीशु, walk in me. मुझ में चल. Come Jesus. यीशु, I give you the freedom. मैं तुझे आजादी देता हूँ. Come Jesus. यीशु, wherever you want to walk. तुझे जहाँ कहीं भी चलना है. Whichever corner you want to walk. और जिस भी जीवन के भाग में तुझे and चलना है. Whichever way you want to walk. जिस भी तरीके से चलना come है. Come Jesus. यीशु, walk. मेरे जीवन में चल. When Jesus was on this earth. और जब यीशु इस पृथ्वी पर था, he kept walking. वो चलता रहा. He kept moving. वो आगे चलता फिरता in रहा. The same way, उसी तरीके से today, आज के he दिन, is not in a midst in the physical form. शारीरिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं है. But he is dwelling in us in the spirit form. लेकिन आत्मिक रूप से वो हमारे भीतर निवास and करता he still है. Wants to walk. और वो अभी भी चलना चाहता Jesus है. walked on the water. और यीशु पानी पर चला. And today, और आज के दिन, he wants to walk on every water, you know, every troubled water of your life. और आज के दिन वो आपके जीवन के हर एक कठिन समय जो एक कठिन उफान के समान है, उस उफान के ऊपर चलना चाहता है. There was a storm. There was storm. There were waves beating the boats of the disciples. और एक तूफान था और वो ऊंची लहरों से वो नाव हिलडुल रही थी. Middle of the night, in the middle of the lake. और रात आधी रात में उस नदी उसके बीच में. They thought they were going to be destroyed. और उन्हें ऐसा लग रहा था चेलों को कि मानो वो मरने उनका नाश हो जाएगा. They cried out. और उन्होंने पुकारा. And Jesus from the other shore. और यीशु जो दूसरी छोर पर था. He heard and he saw what was happening. उसने उनकी पुकार को सुना और देखा जो हो and रहा था. Straight away he walked on the water. और तुरंत ही उसने पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया. And he rebuked every storm and every wind. और हर एक हवा को, हर एक तूफान, हर एक उफान को उसने रोक दिया. Jesus wants to walk upon every storm and wave of your life. और यीशु मसीह आपके जीवन के हर एक तूफान में, हर एक उफान के ऊपर चलना चाहता है. No storm, no wave will be able to destroy your life because he is walking on that water. और कोई भी तूफान और कोई भी उफान आपके जीवनों को हानि नहीं पहुंचाने पाएगा क्योंकि वो उसके ऊपर चल रहा है. He walked to the villages. और वो गांवों के बीच चला. He walked among the multitude. और वो सैकड़ों की भीड़ के बीच चला. And today he wants to walk through you among the multitude. He wants to walk through you to different places, cities and villages. और आज के दिन वो आपके द्वारा सैकड़ों हजारों की भीड़ के बीच चलना चाहता है. हजारों और भिन्न भिन्न इलाकों और राज्यों और शहरों में जाना चाहता है. Listen to me, he is not coming to take an evening walk. और याद में जो सुनिए कि वो कोई शाम को टहलने के लिए नहीं आ रहा है. He has a mission. लेकिन उसके पास तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है. And he wants to walk through you and fulfill that mission. और वो आपके द्वारा चलना चाहता है और उस लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करना चाहता है. He climbed onto the mountain. और वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ गया. Early in
the morning. और सुबह भोर होते ही वो पहाड़ पर पहुंच गए. All through the night. और पूरी रात भर. He climbed onto the mountain. वो उस पहाड़ी पर उस चोटी पर मौजूद था. To pray and to seek the Father. ताकि वो प्रार्थना करे और परमेश्वर पिता के मुख को निहारे. My dear friends, even today Jesus wants to walk through your life. मेरे प्रिय मित्रों, आज के दिन भी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में चलना चाहता है. He wants to walk to the, climb to that mountain. और आज के दिन वो उस चोटी उस पहाड़ पर चढ़ना चाहता And he है wants to pray there. और वो वहाँ प्रार्थना करना Allow चाहता the Holy Spirit है और पवित्र आत्मा को अनुमति दे to speak to you. कि वो आपसे बात करे oh, to wake you up. ताकि वो आपको जगाने पाए yes, he is calling you. Come, sit with me, pray. और वो आपको बुलाता है कि आओ मेरे पास बैठो और मेरे संग प्रार्थना करो I want to pray through you. और मैं तेरे द्वारा प्रार्थना करना Come चाहता on, wake up. और जाग जाओ What is our response? हमारा उत्तर क्या है? हाय आधा घंटा और, आधा घंटा और, आधा घंटा फिर वो डेढ़ घंटा हो जाता है. No, when you hear the prompting of the Spirit in your spirit, जब आप अपनी आत्मा में उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, you may be really tired in your body. हो सकता है शारीरिक रूप से आप बहुत थके हुए हो. But if he is prompting you and waking you up, लेकिन अगर वो आपको बुलाता है और जगा रहा है, I can give you guarantee that you will not die. तब मैं आपको ये पूरी इस बात को सुनिश्चित करती हूँ, ये वादा देती हूँ कि आप मरेंगे नहीं. I understand we all are busy, we are different things to handle during the daytime. और मुझे पता है हम सब जो दिन के समय व्यस्त रहते हैं, कई सारी जिम्मेदारियां और बातें हमारे ऊपर. Do you think that he doesn't know that? क्या आपको लगता है उसे ये सारी बातें नहीं पता? He knows that better than you. वो जानता है आपसे भी बेहतर. He knows that you have to get up, make ready, get ready for the day and make your food for the children. Or you have to get ready and rush to the office by 8 o'clock. He knows that. वो जानता है कि सुबह उठकर आपको बच्चों को लिए नाश्ता बनाना है, खाना तैयार करना है, स्कूल भेजना है और खुद तैयार होकर के ऑफिस पहुंचना है. I can give you guarantee. मैं आपको ये वादा दे सकती हूँ. When you wake up, when he is waking you up. जब आप उठेंगे, जब वो आपको उठा रहा है. He will give you the grace and the strength to handle the things in the day. तब वो आपको वो अनुग्रह और सामर्थ्य और शक्ति देगा ताकि आप उस दिन के काम I will कर सके. Walk in them. मैं उनमें चलूंगा और will फिरूंगा. Will you allow him to walk the way that he wants to walk in your life? क्या आप उसे ये अनुमति देंगे कि वो आपके जीवन में वैसे चल सके जैसे वो चलना चाहता है? All those unwanted things that is blocking his path, blocking him from walking. Let's just throw it out. वो सारी बातें जो उसके आगमन को आने को उसके चलने फिरने को लिए रुकावट है या रोकते हैं, उन सब को उठाकर हम फेंक दें. If you are filled with bitterness, अगर आप कड़वाहट से भरे हैं. If you are filled with jealousy, अगर आप जलन से भरे हैं. If your life is, you know, in the habit of lying, और आपके जीवन में झूठ बोलने की आदत है. And if you are proud of something, और अगर आपके अंदर किसी बात को लेकर घमंड मौजूद है, all these things stand as a big blockade for him to move on. ये सारी बातें प्रभु के लिए एक रुकावट के रूप में, उसके चलने में एक रुकावट. We need to examine and see what is the thing in my life that is not allowing him to walk the way that he wants to walk. और हमें अपने जीवन को जांचना और परखना और ये देखना है कि कौन सी वो बातें हैं जो परमेश्वर को उस अनुसार नहीं चलने फिरने दे रही हैं. Is there anybody here? क्या आज की सुबह यहाँ ऐसा कोई who need to forgive someone? जिसे किसी को माफ करना है. Are you carrying that unforgiveness in your spirit? क्या आप उस ना माफ करने की भावना को अभी भी अपने दिलों में? Someone who needs to forgive their parents. क्यों कुछ ऐसे जिन्हें अपने माँ बाप को माफ करना है? Somebody who needs to forgive the daughter-in-law. और कोई ऐसा जिसको अपनी बहू को माफ करना? Somebody who needs to forgive a neighbor. या कोई ऐसा जिसे अपने पड़ोसी को माफ करना है? And even somebody who needs to forgive a male member who has misbehaved with you. और क्या कुछ ऐसे भी जिनके परिवार के पुरुष के किसी सदस्य ने उनके संग बदतमीजी किया हो या उनका शोषण किया हो? You have every right. आपके पास वो पूरा अधिकार है. Not to forgive. कि आप ना माफ करें. Because you are hurt. क्योंकि आपने चोट खाई है. That person has caused so much damage.
और उस व्यक्ति ने बहुत नुकसान आपके जीवन को पहुंचाया। Your life is spoiled because of that one thing that person did. और वो आपका जीवन बेकार हो गया उस एक काम से जो उस व्यक्ति ने किया। Your self-esteem is broken because of that one word or one action of that particular person. और आपका खुद के लिए वो आदर और सम्मान उसका नाश हो गया उस एक काम के जो उस एक व्यक्ति ने किया। You feel that you have every right not to forgive. You have every right to carry that grudge. और आपको लगता है आपके पास वो पूरा अधिकार है कि आप उसे ना माफ करें और उस ठेस को अपने संग लेकर के चले। इन द नेचुरल यस यू हैव द राइट। और स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से बात करें तो हाँ आपके पास वो अधिकार है। बट एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, लेकिन परमेश्वर की एक संतान होते हुए, एज अ मैन ऑफ गॉड एंड अ वुमन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर के पुरुष या एक महिला होते हुए, एज अ बॉर्न अगेन बिलीवर, एक नया जन पाए हुए विश्वासी के, स्पिरिट फिल्ड believer, आत्मा से भरा हुआ विश्वासी होने के कारण, you have no right to carry that spirit of unforgiveness and grudge. आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप उस ठेस को या उस ना माफ करने की भावना को अपने संग लेकर चले। You know what happens when you carry that unforgiveness? और क्या होता है जब आप नहीं माफ करते हैं और उस भावना को लेकर के चलते? You are not hurting the person who has done wrong to you. तब आप उस व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचा रहे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। You are hurting yourself. लेकिन आप तो अपने आप को चोट पहुंचा You are blocking the blessing of God in your life. परमेश्वर की आशीष को आप अपने जीवन में रोक रहे हैं। The moment you will release forgiveness, और जिस क्षण आप क्षमा को क्षमा कर देंगे, the very moment you will release forgiveness, और जिस क्षण आप उस व्यक्ति को क्षमा कर देंगे, you receive your breakthrough, तब आप अपने छुटकारे को पाएंगे, you receive your blessing, तब आप अपनी आशीष को पाएंगे, the devil will have no hold on you, ताकि शैतान का कोई भी किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई कब्जा नहीं होगा। Till the day that you carry unforgiveness, devil is happy. लेकिन जिस दिन तक आप इस भावना को लेकर चलेंगे वो शैतान तो खुश है। He has every claim on your life to destroy your life further. और उसके आपके जीवन के ऊपर उसका पूरा हक है कि वो आपके जीवन का नाश कर सके। I want to give you a minute here. मैं आपको एक मिनट देना चाहती हूँ। Everyone who needs to forgive someone. आप में से हर एक जिसको किसी दूसरे को माफ करना है। Before we extend our hands in the table on table of God. इससे पहले कि हम प्रभु मेज में सहभागिता करें और साथ में रोटी तोड़े और पिए। Before we go further. इससे पहले हम आगे बढ़े। Just ask the Lord to give you grace to forgive that person. आप परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं क्षमा करूं। Lord, you have taught us to forgive. प्रभु तूने हमें सिखाया है कि क्षमा करूं। You have taught us to pray to forgive. और तूने हमें सिखाया है कि हमें सिखा ताकि हम माफ करने पाएं। Lord, we want to follow you. प्रभु हम आपके अनुसार करना चाहते हैं। And everyone who is struggling in this area. अब हम से हर एक जो इस भाग में प्रयत्न कर रहा है, जूझ रहा है। I pray, Holy Spirit, that you will help them. और मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आप उन लोगों की सहायता करें। I release the forgiveness of God into their heart. और मैं प्रभु की उस क्षमा को उनके हृदयों में that they will be able घोषित करती हूँ। They will be able to forgive the person whom they have to forgive. और वो उन व्यक्ति को आप माफ करने पाएं जिसे आपको माफ करना है। Lord, there will not be any grudges. There will not be any bitterness in their heart. प्रभु उनके हृदयों में किसी भी प्रकार की कड़वाहट, किसी भी प्रकार की ठेस को वो लेकर ना चले। Release them in Jesus' name. उन्हें आजाद कर यीशु के नाम में। Wives, forgive your husbands. और पत्नियों अपने पति को माफ करिए। Husbands, forgive your wives. और पति अपनी पत्नियों को माफ करें। Children, forgive your parents. बच्चों अपने माँ-बाप को माफ करें। Parents, forgive your children. और माँ-बाप अपने बच्चों को क्षमा करें। So that Jesus can walk in your life. कि यीशु आपके जीवनों में चलने पाए। I believe you have agreed with me and prayed this prayer. और मेरे मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे संग हामी भरी है और इस प्रार्थना को अपने and लिए किया God है। has released you. और परमेश्वर ने आपको आजाद That किया burden है। has left your heart. Hallelujah. और वो बोझ आपके हृदय को छोड़ चुका है। You are free. और आप आजाद हैं। The devil has no right on your life. और आप शैतान का कोई अधिकार आपके जीवन के ऊपर नहीं है। He has nothing to claim. और उसके पास कुछ भी नहीं है जिसका वो दावा करने पाए। 100%
person, you belong to Jesus. और 100% रूप से आप प्रभु यीशु के हैं. That bondage is broken. और वो बोझ तोड़ दिया गया है. That yoke is broken. वो बंधन तोड़ दिया गया है. And you are free. और अब आप आजाद हैं. Hallelujah. Hallelujah. And further, what's the promise? God says that I will be their God. और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा. He will be your God. वो आपका परमेश्वर होगा. You are His temple. और आप उसके जीवन वो आपके बीच निवास करेगा, वो आपके संग चलेगा. Now he says, I will be there. He will be your God. और अब वो कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा. Oh, what a blessing it is. What a privilege it is. और कितना सौभाग्य, कितनी बड़ी आशीष है ये. That he does, he is not ashamed to call us his children. कि वो शर्म लज्जा नहीं करता कि वो हमें अपनी संतान बुलाए. He is not ashamed to call himself as our God. और वो अपने हमें अपना परमेश्वर कहने में शर्माता नहीं. This is a covenant relationship. और ये एक वाचा का रिश्ता है. Oh, hallelujah. Hallelujah. Before Jesus came into our hearts, और इससे पहले कि यीशु हमारे हृदयों में आता, he called many others as God. और उसने कई सारों को परमेश्वर परमेश्वर करके बुलाया. उसने कई सारों को परमेश्वर करके बुलाया. We thought many others, you know, they were our gods. और हमने भी कई सारे दूसरे देवी देवताओं परमेश्वर को बुलाया. But hallelujah, hallelujah, we are set free. उसने मुझे आजाद किया. We have entered into a covenant relationship with our God. और उसने हमें अपने संग एक वाचा के रिश्ते में बांध लिया. The living God. और वो जीवित परमेश्वर. Hallelujah, 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 hallelujah. He has opened our eyes. उसने हमारी आँखों को खोल दिया. To see the truth. कि हम सत्य को देखने पाएं. Not only to know Him. और ताकि हम उसे जानने पाएं. But to serve Him. उसकी सेवा करने पाएं. And to know that He is with us as our God. और ये जानते हुए कि अब वो हमारा परमेश्वर होगा. He wants to call himself as your God. और वो अपने आप को आपका परमेश्वर कहता है. Amen. I know the time is running. Hallelujah. I need to run. और मुझे आगे बढ़ना होगा जल्दी. God says that they shall be my people. और परमेश्वर कहेगा वो मेरे लोग होंगे. Who are you? आप कौन हैं? You are God's own people. आप परमेश्वर के अपने लोग हैं. His chosen generation. उसके चुने हुए लोग. You are a holy nation. और एक पवित्र किए हुए लोग. Very dear to Him. और इसीलिए उसके लिए चुने हुए. You are His people. और आप इस बात की घोषणा करें. Maybe some of you because of the stand that you have taken for your faith. और हो सकता है आप में से कईयों को कठिन समय का सामना करना पड़े अपने विश्वास के खातिर. Your family has rejected you. आपके परिवार ने आपका तिरस्कार किया. They do not want to keep in touch with you. और वो आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते. You are not invited to their wedding. You are not invited to their birthday. You are nowhere close to them. और आपके वही परिवार के लोग आपको किसी भी पारिवारिक अगर कोई उत्साह हो, कोई पर्व हो, उसमें नहीं बुलाना चाहते. Everyone has rejected you. हर एक ने आपको त्याग दिया और तिरस्कार किया. Even they have started saying that you belong to the lower caste. और वो ये भी कहने लगे हैं कि तुम तो अब नीची जाति के हो. But he has called us as his people. लेकिन उसने हमें अपने लोग कह करके बुलाया. Oh, hello, that's your identity. और यही आपकी पहचान है. You are his chosen one. आप उसके चुने हुए लोग हैं, उसके चुने हुए जन. Hallelujah. Hallelujah. And you know where God wants to dwell? और आपको पता है परमेश्वर कहाँ निवास करना चाहता है? God wants to dwell among his people. परमेश्वर अपने लोगों के बीच निवास करना चाहता है. Where two or three are gathered. जहाँ दो या तीन इकट्ठा हुए हैं. People like you and me, when we gather. जैसे आप और मैं जब इकट्ठा होते हैं. In his name. उसके नाम में. Wow, he cannot wait there. क्योंकि जब वो वहां इंतजार नहीं कर सकता, He comes down. वो नीचे उतर आता He is in our midst. वो हमारे बीच में आ जाता है. We are his people. हम उसके लोग हैं. Verse 17 says, I will receive you. और 17वें वचन में प्रभु कहता है मैं तुझे ग्रहण करूंगा. No matter whoever has rejected. ये मायने नहीं लगता किसी ने भी आपका तिरस्कार किया हो. Whoever has forgotten you. जो कोई भी आपको भूल क्यों ना गया हो. Everything that you had, all your property, all your wealth, all your right, you know, it's snatched away from you. और आपकी सारी संपत्ति, सारा धन, सारी भूमि आपसे छीन लिया गया. It's okay. All those things, you know, are of the world. और of वो तो ठीक ही है क्योंकि ये सारी बातें संसार की हैं. And Jesus said, I will receive you. लेकिन यीशु कहता है मैं तुझे ग्रहण करूंगा. With arms wide open. और अपने हाथों को खुला करके. If the door of your house is closed. और अगर आपके घर का दरवाजा बंद है. His arms are open. तब उसके हाथ खुले हुए हैं. He said, come to me. और वो कहता है मेरे पास
to me. मेरे पास आओ. I will receive you. मैं तुझे ग्रहण करूंगा. And he has great riches there stored up for you. और उसके पास बहुत सारा वह ऊपर वो धन है जो उसने आपके लिए रखा है. No matter what, how much ever you accumulate here. ये मायने नहीं रखता जितना भी आप इस पृथ्वी पर इकट्ठा करेंगे. When the call comes, you are not going to carry even 1 rupee. याद रखिए जब पुकार आएगी उससे तब एक भी पैसा आप अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगे. You go empty hands. आप खाली हाथ ही ऊपर जाएंगे. So what will you do with all the riches? तब उस सारे धन का आप क्या करेंगे? Paul says, if you have enough to eat and enough to wear, that's enough. और पौलुस कहता है अगर तेरे पास खाने पहनने के लिए पर्याप्त है उतना काफी है. अरे no headache. कोई सरदर्द नहीं है. Hallelujah. Hallelujah. Yes. जब travel करते बोलते हैं ना कम लगेज लाइट लगेज के साथ ट्रैवल करो. हालेलुया. यहाँ पर लाइट लगेज के साथ हमें ट्रैवल करना है. ओके. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He will receive us and he will be a father to us. अब वो हमें ग्रहण करेगा और हमारे लिए हमारा पिता होगा. He's not only a God. वो ना सिर्फ एक परमेश्वर है. He is a father to us. लेकिन वो हमारे लिए पिता होगा. A father. और एक पिता. Full of love. और एक ऐसा पिता जो प्रेम से भरा है. Full of forgiveness. और वो ऐसा पिता जो अनुग्रह से. Full of compassion. और जो दया से भरा हुआ है. Full and ready to accept you. और जो तैयार है कि आपको ग्रहण करे. That is father. और यही है एक पिता. Father loves his children. और पिता अपने बच्चों से प्रेम रखता है. Father cares for his children. और एक पिता अपने बच्चों की चिंता करता है. God is your father. और परमेश्वर आपका Maybe पिता है. Maybe there is someone here who have not received the love of a father. और हो सकता है आप में कोई एक ऐसा यहाँ पर है जिसने एक पिता के प्रेम को अपने जीवन में नहीं Maybe पाया. Maybe you are abused by your father. हो सकता है आपके पिता ने ही आपको शोषण किया, आपके संग मार पीट किया. Maybe you lost your father when you were too young. या हो सकता है जब आप बड़े छोटे ही थे आपने अपने पिता को खो दिया. You really didn't experience the love of the earthly father. और आपने एक सांसारिक पिता के प्रेम का अनुभव करने का आपको मौका ही नहीं मिला. And you are hurting even today. और आज के दिन भी आप चोट खाए हुए हैं. When every year the Father's Day comes. और जब हर साल जब वो पिता दिवस आता है. It brings pain to you. तो वो आपके दिल में एक दर्द को लाता है. God says, I am your father. तब परमेश्वर कहता है, मैं तेरा पिता हूँ. I am your father. मैं तेरा पिता हूँ. Receive the love of the Father today. और इस पिता के प्रेम को आप आज के दिन ग्रहण करें. Study the Father heart of God. और परमेश्वर के पिता के हृदय का अध्ययन करें. Father heart of God. और परमेश्वर का पिता का जो हृदय है. He is a father to you. वो आपके लिए एक पिता है. And you will be his sons and his daughters. और आप उसके बेटे और बेटियां होंगे. Says the Lord Almighty. और परमेश्वर सर्वशक्तिमान की स्तुति हो. परमेश्वर सर्वशक्तिमान कहता है. और परमेश्वर सर्वशक्तिमान ये वचन कहता है. The Lord Almighty says that you are my sons, my daughters. और परमेश्वर सर्वशक्तिमान ये वचन कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो. We are his sons and daughters. और अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं. All that he has is ours. और इसलिए जो कुछ उसके पास है वो सब हमारा है. We are his heirs. और क्योंकि हम ही सारे बातों के वारिस हैं. Yes, सारे बातों की वारिस है. Hallelujah. Hallelujah. सारे बातों की वारिस है. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Now you have all these promises. और ये सारे प्रतिज्ञाएं आपके पास हैं. Now there are certain conditions too. लेकिन कुछ शर्तें भी हैं. क्या है वो condition? क्या है? वो शर्तें क्या है? You know, we need to keep our lives holy and clean. हमें अपने जीवनों को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना है. We should not partake in the things of the devil. और हमें शैतान की बातों में सम्मिलित या भाग नहीं लेना. We were serving the devil before we came to Christ. और जब हम यीशु में नहीं आए थे तब तो हम शैतान की सेवा कर रहे थे. And there were no restrictions at all. We could do whatever we want. कोई भी तरीके का रोक रुकाव नहीं था और जो हम चाहते थे हम कर सकते थे. We could live with anybody. हम किसी के संग भी रह सकते थे. If I go further, we could sleep even with anybody. अगर मैं आगे बढ़कर बताऊं तो हम किसी के संग भी सो सकते थे. We could do anything. हम कुछ भी कर सकते थे. Why? क्यों? We were serving the devil. क्योंकि हम शैतान की सेवा कर रहे हैं. That's the devilish nature. और यही एक शैतानी प्रवृत्ति है. All those things come from the devil. और ये सारी बातें शैतान से आती हैं. But now here. लेकिन आज के दिन यहाँ. We are serving the living God. हम जीवित परमेश्वर की सेवा को करते हैं. And he is a God of light. और वो ज्योति का परमेश्वर है.
And all these things are not acceptable there. और ये सारी बातें उसके राज्य में ग्रहण योग्य नहीं है. So God says. और इसलिए परमेश्वर कहता है. You have to come out of all the uncleanness. तुम्हें उन सारी अशुद्धता से बाहर निकलना है. Have no fellowship with the works of darkness. और अंधकार की बातों के संग या लोगों के संग कोई भी सहभागिता नहीं. Earlier you would do anything you want. और पहले तो तुम जो कुछ चाहते थे वो करते थे. And then you will go to the temple and make a prayer also. और मंदिर जाकर एक बढ़िया प्रार्थना भी करते थे. और क्या प्रार्थना करते थे? मुझे पकड़ा ना जाए, है ना? यहां पर वो नहीं चलेगा. Have no fellowship. और अंधकार की बातों से कोई सहभागिता, कोई रिश्ता नहीं. No fellowship मतलब no fellowship. आधा आधा नहीं. Have no fellowship. और कोई भी सहभागिता नहीं चलेगी. With the works of the devil, with works of darkness. अंधकार के काम या शैतान के कामों से. All those things that you have left behind. और वो सारी बातें जो आपने पीछे छोड़ दी हैं. You have to leave it forever. उन सारी बातों को आपको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा. It's a complete separation from the old life. From the old practices. क्योंकि उस पुरानी जीवन से, पुरानी बातों से, पुराने अभ्यासों से एक संपूर्ण अलग है, अलग आपको होना है. टाइम थोड़ा कम है तो मैं अपनी हिंदी में बोलने का कोशिश करूंगी. ओके ठीक है. पूर्ण रूप में पिछले जो हमारे जीवन है, जो आदतें थे, जो हमारे प्रैक्टिसेस थे, जो हमारे रिवाज थे, उन सब से क्या करना? अलग होना है. एकदम खाद डाल के अलग. पीछे मुड़ के नहीं देखना है. बाइबल में एक स्त्री के बारे में, यू आर गोइंग ओके, बाइबल में एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं. परमेश्वर ने कहा उनके पति को, निकलो, भागो, आगे चलो, आगे बढ़ो. तो स्त्री ने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा. आपको मालूम है क्या हुआ उसके जीवन में? नमक के खंबा बन गए हैं. तो जो पीछे मुड़ के देखेंगे वो क्या बनेगा? नहीं, नमक के खंबा. ऐसा नहीं होना है. जो आपने छोड़ दिया, एक बार आपने निर्णय लिया है ना, जो बातें पीछे थे सब कुछ छोड़ के निर्णय लिया है, पीछे मुड़ के नहीं देखना. हमारे परिवार के कहानी यह है, जो हमने छोड़ दिया एक भी बार मुड़ के नहीं देखा है. ना वो रिवाज, ना वो त्योहार. हर साल त्योहार मनाते हैं, कुछ नहीं. जो छोड़ दिया, छोड़ दिया. जो हम लेकर सजाते थे छोड़ दिया. क्यों? आप पूछेंगे इसमें क्या गलती है? मैं तो ऐसे थोड़ी करती हूं. इसमें आप गहराई में कुछ बातें सीखना बहने. जो हम लगाते ये क्या दिखाते हैं, ठीक है? आई डोंट वॉन्ट टू अफेंड एनीबॉडी. किसी को ठोकर पहुंचना मैं नहीं चाहती हूं, लेकिन सच्चाई है. क्योंकि हमें नहीं मालूम है, कुछ हम बांध के चलते हैं. काला काला है ना, बांध के चलते. क्योंकि इस सब के अंदर क्या है? एक शैतान के एक हक लेकर वो आएगा. हम अपने जीवन में शैतान के लिए वो दरवाजा खोल के देता है. वो बैठ, एक बार इतना जगह आप दो, आप क्या सोचते हैं वो इतना ही घुसेंगे? नहीं, पूरा तोड़ फाड़ के अंदर आकर वो बैठेगा. फिर उसे निकालने में मुश्किल होता है. ओके? तो आप में से जो कोई पूर्ण रूप में मसीह को ग्रहण करके, मसीह को पहन के, हम कब मसीह को पहनते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में डूबन बपतिस्मा जब हम लेते हैं, हम मसीह को पहनते हैं. जो कोई मसीह को पहना है तो पुराने सारे बातों को क्या करना? पूर्ण रूप में उसे निकाल देना. वचन क्या बताया आज हमें? पहला, दूसरा कुरिन्थी 7:1 में कि हर जो उस चीज, जो तुम्हारे शरीर, तुम्हारी
आत्मा को क्या करते हैं? मलीन करते. थैंक यू. यस, शरीर को भी मलीन करने वाली बातें हैं, आत्मा को भी मलीन करने वाले बातें हैं. शरीर को मलीन करने वाले पाप है व्यभिचार. शरीर को मलीन करने वाले पाप है. और जो हमारे लिए जो वचन मना किया है, जो पहले आज प्रभु का दास बता रहे थे कि तुम शैतान का भी परमेश्वर प्रभु का भी मेज में शामिल नहीं हो सकता है. जो शैतान के मेज में शामिल होता है वो क्या करते हैं? हमारे शरीर को मलिन करते हैं. हमारा शरीर क्या है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? पीछे परमेश्वर का मंदिर है. हालेलुया. ये परमेश्वर का, परमेश्वर पवित्र है. अगर परमेश्वर पवित्र है और इस मंदिर में वो वास करते हैं तो ये मंदिर पूर्ण रूप में पवित्र बनना है. हालेलुया. ये थोड़ी थोड़ी बातों नहीं है कि कभी जब त्योहार आते हैं, पार्टी आते हैं, कि हमारे फ्रेंड्स इतने मेरे ऊपर क्या जोर लगाते हैं, प्रेशर डालते हैं. अरे कोई बात नहीं, कौन देखने वाला है. हम भी सोचते सही है, यहाँ पे पादरी सब तो नहीं है, कोई विश्वासी तो नहीं है, है ना. हम भी सोचते हैं नहीं, ना पास्टर होगा, ना आपके यूथ लीडर होगा, ना कोई विश्वासी होगा, लेकिन वो जो पास्टरों का पास्टर वो हमेशा वहां पर है. उनकी आंख हमारी ऊपर है. ठीक है, इसलिए शरीर को मलिन करने वाले बातों से बाहर निकलना है. आत्मा को मलिन करने वाले बातें हैं. आत्मा को मलिन करते हैं हमारी अंदर की कड़वाहट, हमारे जो ईर्ष्या है, घमंड है, झूठ है, और बाकी लोग जब आगे बढ़ते हमें अच्छा नहीं लगता है, है ना. तो ये सारी बातें हमारी आत्मा को मलिन करता है. जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो हम पवित्रता में, पवित्रता के सिद्धता में हम आगे आते हैं. किस प्रकार पवित्रता के सिद्धता में हम आएंगे? मसीह के भय में जब हम चलते हैं. जब मसीह के भय नहीं है, हम मसीह से प्रेम करते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं आप प्रभु से प्रेम करते हैं, सब हाथ ऊपर उठेगा, दोनों हाथ पैर सब ऊपर उठेगा, है ना. मसीह से प्रेम करते हैं. लेकिन क्या आप मसीह से डरते हैं? परमेश्वर का डर आपके अंदर है? परमेश्वर का डर का मतलब क्या है? यहोवा का भय क्या है? बुराई से अलग होना. टू डिपार्ट फ्रॉम ईवल. टू डिपार्ट फ्रॉम ईवल. आपके अंदर की सोच और कोई नहीं जानते हैं, परमेश्वर जानते देखता है. हालेलुया. वो परमेश्वर जो पवित्र है वो नहीं चाहते हैं कि आपकी आत्मा सर्वदा मलिन रहे. वो चाहते हैं कि तुम मेरे भय में चलो, मेरे बेटी मेरी बेटा, क्योंकि मैंने तुझे मेरा बेटा और बेटी बनाया है. तू मेरे पवित्रता में चलकर सिद्धता की ओर, पवित्रता में सिद्धता की ओर तुम बढ़ते रहो. हालेलुया. आमेन. इतना साल तुम विश्वास में है, क्या तुम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हो या अभी भी बच्चे हैं? अभी भी नर्सरी में कितने लोग बैठे हैं? नर्सरी में नहीं बैठ सकते हमेशा, आगे बढ़ना है. हालेलुया. 15 कुछ विश्वासी है, 15 साल मसीह को ग्रहण करके हो गया, अभी भी बैठे कहां? नर्सरी में बैठे हैं. आ से अनार, आ से आम, बोलो सीखो नहीं, सिद्धता की ओर हमें बढ़ना है. हालेलुया. और मेरे विश्वास से इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति सिद्धता की ओर बढ़ते हैं. जब हम बढ़ेंगे हम दूसरों को भी बढ़ाएंगे,
हालेलुया। जब पहले हम बच्चे हैं प्रभु के राज्य में और हम बढ़ते हैं, जैसे मेरे परिवार में बच्चे पैदा होता है, वो बढ़ते हैं, फिर वो खुद अपना परिवार चलाते हैं, अपने बच्चे होते हैं। परमेश्वर का कलीसिया में भी पहले हम बच्चे के समान पैदा होता है, उसके बाद हम बढ़ते हैं, हम आत्मिक माँ बाप बनते हैं, आत्मिक बच्चों को हम जन्म लेकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये वादा है प्रभु हमें देने के कारण, हालेलुया, सारे बात जो शरीर और आत्मा को मलिन करते हैं उसमें से बाहर निकलकर पवित्रता सिद्धता की ओर हम बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद। मेरा प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति को मजबूत कर दे प्रभु, उनके जो वचन के जो ज्ञान है उसमें आप उन्हें मजबूत कर दे, तेरे इच्छा के समान वो आगे बढ़ते जाए, संसार के हर चीजों से अलग होकर परमेश्वर का महिमा के लिए वो जिए। यीशु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।